हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये है मेरे पास साड़ी जिसका हम रीयूज़ करेंगे। साड़ी जो न्यू है, साड़ी मैंने पहनी नहीं है। मेरे पास दो साड़ियां हैं, एक साड़ी मैंने पहनने के लिए रख लिया और एक साड़ी जो है मैंने इसको रीयूज़ किया है। इस साड़ी से मैंने, ये आप देख रहे हो, दो कलर में साड़ियाँ हैं मेरे पास। ये एक ही साड़ी है, एक जो है ये इसका, ये जो रेड वाला है वो प्लेट्स बनती है और ये जो ग्रीन वाला है इसे इसका पल्लू का पार्ट है। और जो जिसको मैंने रीयूज़ किया है, प्लेट वाला एरिया ग्रीन था, ज़्यादा था, तो उसका मैंने बनाया है अपनी बेटी के लिए लहंगा और बनाया अपने लिए एक सूट। और ये जो उसमें से जो रेड वाला पोर्शन में था उसके लिए मैंने बनाया, उससे बनाया एक ब्लाउज़। ये जो मैंने आपको दिखाई थी ये साड़ी मैंने ऐसे ही रखी है। इसका ये प्लेट एरिया बनेगा और ये पल्लू एरिया बनेगा। और जो मेरी दूसरी साड़ी थी ये प्लेट एरिया था और ये पल्लू एरिया था। तो उसका ब्लाउज़ भी, दूसरी वाली जो साड़ी है मेरे पास जिसका ब्लाउज़ मेरे पास रेड वाला पोर्शन है, उसके लिए मैंने अपनी बेटी के लिए एक लहंगा और ब्लाउज़ बनाया है। इस लहंगा मैंने इसी कपड़े का बनाया, मैं आपको दिखा देती हूँ। और जो ये रेड वाला, और ये जो रेड वाला पोर्शन है, तो मैंने ये जो रेड वाला, जो मेरी दूसरी साड़ी का जो रेड वाला जो कपड़ा है, ब्लाउज़ का कपड़ा था, तो उस ब्लाउज़ को मैं यूज़ करने वाली हूँ इस साड़ी के साथ। ये मेरी एक सिल्क में साड़ी है, अगर मैं इसका रेड ब्लाउज़ बनाऊँगी तो ये प्रिंट है ब्लाउज़ में, तो मैं ये ब्लाउज़ जो है इस साड़ी पे स्टिच करने वाली हूँ। आपको आने वाली वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने अपनी बेटी के लिए ये स्टिच किया था। यहाँ से ये कट आप देख सकते हैं, ये स्लीव इसकी इस तरीके से है। और मैं, और थोड़ी लेस का काम, और इस तरीके से मैंने इसके नीचे एरिया पे इस तरीके से ये मैंने फ्रिल दे दी है इसको साड़ी की। ये जो ब्लाउज़ का पीस है ये किसी दूसरी साड़ी, मम्मी की मैंने एक साड़ी सिली थी उसमें इतना कपड़ा बचा था, तो मैंने इससे, इस साड़ी पे मुझे लग रहा था अच्छा जाएगा, तो मैंने इसके लिए अपनी बेटी का ये टॉप बना दिया है। और बैक से ये इस तरीके से है, ये पूरा कवर हो जाता है। यहाँ से हुक दिया है मैंने ताकि इसको पहनने में कोई प्रॉब्लम ना हो, पूरा अच्छे बच्चों को कम्फर्टेबल हो पहनने में, अदरवाइज़ वो बहुत चिल्लाती है। तो इसको मैंने यहाँ से ये हुक लगा दिया है, ऊपर से ये इस तरीके से डोरी बन जाएगी। तो ये इस तरीके का मैंने इसका ये टॉप सिला है। और जो ये मैंने आपको साड़ी दिखाई थी, साड़ी में का ये मैंने इसको, इसके लिए ये लहंगा सिला है। साड़ी का ये बॉर्डर था, तो मैंने बॉर्डर मैंने कलियों में काट के ही लहंगे को बनाया था। कलियां काटी थी मैंने, उसका लहंगा स्टिच करने के बाद फिर मैंने ये बॉर्डर जो है लगाया था। और ये मेरे पास थोड़ी सी लेस थी, वो भी मैंने इस पर लगा दी है। और ये जो मार्केट में इजीली ये स्टोन्स मिल जाते हैं, स्टोन्स आपको दिख रहे हैं, स्टोन्स मिलते हैं, ये मैंने इस पर लगा दिए थे। गम, इसका फैब्रिक ग्लू भी मिलता है, तो मैंने लगा दिया था। इस तरीके से मैंने अपनी बेटी का ये लहंगा और इसका ये ब्लाउज़ जो है स्टिच किया था। साड़ी, साड़ी एक्चुअली मेरे पास दो थी। जो है थोड़ी हैवी है साड़ी, थोड़ी हैवी है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है कैरी करने में, इसलिए मैंने सोचा एक साड़ी को हम ऐसे यूज़ कर लें। मैं इसको भी एक दो बार पहनने के बाद देखती हूँ इसको क्या करना है। और ये होने वाला एक इंट्रो वीडियो है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा है, जॉइंट फैमिली हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, ये सब आपको आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलेंगी। तो बने रहिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और देखिए हम लोग अपनी जॉइंट फैमिली में कैसे रहते हैं। अच्छी खासी हमारी बड़ी फैमिली है, तो आप देखिए हम लोग कैसे रहते हैं आने वाली वीडियोस में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कैसा लगा ये साड़ी का जो रिव्यूज़ है आप ज़रूर बताइएगा। आने वाली वीडियोज़ में भी आपको, मेरे पास कई साड़ियाँ हैं जिसका मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगी कि मैंने कैसे किया है। बने रहिएगा साथ में। चलिए वीडियो को यहीं करते हैं एंड। रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।